तो हेलो गाइस, तो मैं किशन। तो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को सन डायरेक्ट के सेटअप बॉक्स के अंदर जो लो क्वालिटी में पिक्चर आ रही है उसे हाई क्वालिटी में कैसे देखना है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को वो ऑप्शन चेंज करना सिखाऊंगा। साथ में आप लोगों को जो इसके सारे ऑप्शन है उनके बारे में भी समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो आप भी अपने सेटअप बॉक्स की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आप लोगों को मेरे एलईडी डिस्प्ले पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोगों को भी चेंज। आप लोग देख सकते हो मेरी एलईडी डिस्प्ले पर पिक्चर क्वालिटी लो आ रही है, तो इसे हाई क्वालिटी के अंदर कैसे देख सकते हो? ये नॉर्मल सेटअप बॉक्स है मेरे पास, तो आप लोगों को सबसे पहले मेनू बटन को प्रेस करना है और आप लोगों को मैं सारी ऑप्शन समझा देता हूँ पहले कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ज़्यादा काम आने वाला है। तो प्रोग्राम गाइड्स, गाइड के अंदर आप लोगों को यहाँ से जो प्रोग्राम है उन्हें 6 घंटे पहले का प्रोग्राम देख सकते हो, 6 घंटे आगे का कौन सा प्रोग्राम आने वाला है वो। ऐसे टीवी मैनेजमेंट, तो टीवी मैनेजमेंट पे क्लिक करना और यहाँ पासवर्ड आपके 000 और टाइम 0 के बाद में क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा फेवरेट, तो आप लोगों को अगर फेवरेट चैनल करने हैं एक जगह तो आप कर सकते हो। जैसे हमारे फेवरेट लिस्ट 1, इसके अंदर कौन से आपको और चैनल ऐड करने हैं, तो यहाँ से आप चैनल जैसे इसको ऐड करना हो तो यहाँ इसे क्लिक कर दीजिए, ऐसे क्लिक करके हंगामा टीवी हो गए। तो इस तरह के आप फेवरेट लिस्ट भी बना सकते हो। इसके बाद में आप लोगों को एक बार बैक हो जाना है और बैक हो जाने के बाद में अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद में आप और एग्जिट हो जाइए एक बार, और एग्जिट हो जाने के बाद में वापस मेन्यू बटन को प्रेस कीजिए। रेडियो मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को अभी इसमें ये सर्विस स्टार्ट नहीं की गई है, उसकी वजह से कुछ भी नहीं चलेगा। आप लोगों में जैसे क्लिक करोगे 4x0 ऐड करोगे और यहाँ पे आप लोग जो भी स्टेशन बोला जाता है वो जैसे भी लगाओगे तो नहीं चलेगा। बस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, सर्विस इज नॉट करंटली रनिंग, अभी नहीं स्टार्ट की गई सर्विस ये वो। इसी के बाद में टाइमर मैनेजमेंट, तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो है जैसे वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो उसका टाइमर आपको ऑन करना होगा, लेकिन अभी इसमें पेन ड्राइव नहीं लगाई गई है। बाद में गाइस आप लोगों को हेल्प इंफॉर्मेशन, इसकी जो सारे वायो डाटा है, जो स्टेवी मोड है इसका, सॉफ्टवेयर है, टाइमर है, यूजर आईडी है, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंंगे। इसी के बाद में आप लोगों को नीचे फैक्ट्री रीसेट, ये ऑप्शन आप लोगों को बहुत ही काम ज़्यादा काम आने वाले। यहाँ पे आप फैक्ट्री रीसेट के 4x0 एड करोगे, ओके करोगे तो आपका ये सेटअप बॉक्स रीसेट होकर न्यू अपडेट हो जाएगा। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसी के इसका ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, मीडिया, PVR, स्टोरेज डिवाइस, ये सारे ऑप्शन आपके तब काम है जब पेन ड्राइव इसके अंदर लगा दोगे। उसके बाद में यहाँ CA मेनू के अंदर भी आप लोगों के स्टेटस, सारे स्टेटस दिखाई देंगे, लेकिन ये भी ऑप्शन आप लोगों के ज़्यादा काम आने वाला नहीं। यहाँ से आपके ज़्यादा ऑप्शन काम आने वाले हैं सेटिंग्स के अंदर, तो सिस्टम सेटिंग के अंदर आप वो SD लैंग्वेज चेंज कर सकते, डिफॉल्ट ऑडियो लैंग्वेज है, ये सारी आप इंस्टेंट सेबिलिटी लैंग्वेज कर सकते हो, ऑटो स्टैंड बाई कर वो ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जैसे ऑटो स्टैंड बाई आप जैसे डायरेक्ट यहाँ 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के बाद में से शटर बॉक्स को ऑफ करना है, या 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे करना है तो कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका डिस्प्ले, तो ये ऑप्शन आप लोगों को बहुत काम है। जैसे वीडियो मोड आपको ऑटो ही रखना है, यहाँ से चेंज नहीं करना है ये। इसी के बाद में डिस्प्ले स्केल भी आपको ऑटो ही रखना है, या डिस्प्ले मोड आप चेंज कर सकते हो आप लोगों को किस मोड के अंदर देखना है। जैसे इस मोड में देखोगे तो आपको तो चेंज देखने को मिलेगा डिस्प्ले की, जो आप पहले फुल थी अब छोटी डिस्प्ले दिखने लग गई। और इसी के बाद में आप लोगों को ये डिस्प्ले देख सकते हो आप, ये और ज़्यादा छोटी। और इसी के बाद में यहाँ से और छोटी, और ये आपके फुल स्क्रीन और बढ़िया के भी। अब ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी, जो ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, या ओपेसिटी क्लिक किया गया है, लेकिन आपको जहाँ तक हो सके 50 रखना है। अब 50 के अंदर आप लोग देखिए इसकी क्वालिटी किस तरीके की HD क्वालिटी आ रही है गाइस, देख रही है आप लोग चैनल की जो क्वालिटी है वो HD आने लग गई है।
आप लोग बारीकी से देखिए एक बार, पिक्चर क्वालिटी आप लोगों को दिखाई दे रही है एकदम HD क्वालिटी। तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करके HD के अंदर चैनल देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ से वन टाइम आपको कितना भी रख सकते हो, 10 या 7। तो ये अब मैं अभी 7 पे रखता हूँ इसे। इसी के बाद में नीचे आप लोगों को इन्फो लैंग्वेज, इन 2 लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज के अंदर चैनल्स को देखना है। तो गाइस अभी मैं इसको 1 लैंग्वेज है, मेरे को इसी में अंदर ही देखना है, तो यही सेलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।